फिर आता है टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्विकली इसको रिकवर करेंगे, जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला है यूनि प्रोग्रामिंग ओएस। क्या बोलता है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन मेमोरी के अंदर अपने अलावा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा सिर्फ एक ही प्रोसेस को रहने देता है, यूनि प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर एक ही प्रोसेस रही, उसी प्रोसेस को अगर सीपीयू पे रन करना है, तो कोई भी आईओ डिवाइस यूज नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आईओ डिवाइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो प्रोसेस सीपीयू छोड़ के और आईओ डिवाइस को रन करने गई या आईओ ऑपरेशन करने गई, तो सीपीयू फ्री हो जाएगा। जी हाँ, ये गलत बात है। मतलब कि सीपीयू और आईओ डिवाइस दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में हम क्या करेंगे? अगर एक प्रोसेस जाती भी है कहां, आईओ ऑपरेशन के लिए, तो हम दो प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रखेंगे। एक प्रोसेस आईओ ऑपरेशन के लिए गई तो दूसरी सीपीयू पर रन हो पाए। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी फंक्शनैलिटी रहेगी कि वो दो प्रोसेसेस एक साथ मेन मेमोरी में रख पाए, दो से ज्यादा भी रख पाए। किसमें? इस मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में। तो यूनि प्रोग्रामिंग ओएस का प्रॉब्लम हम यहां सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा इस मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रहेंगी, P1, P2, P3, P4। तो अगर P1 गई आईओ के पास, तो P2 रहेगी सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए। P1 P2 दोनों आईओ के पास गई तो ऑफकोर्स P3 रहेगी। अगर तीनों गई तो चौथी रहेगी। चारों अगर आईओ का ऑपरेशन करने के लिए चली गई तो फिर कोई नहीं रहेगी। तो जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा सीपीयू का यूटिलाइजेशन आपका होता रहेगा, ओके। चलिए अब एक और चीज बताता हूं। यहां पे एक टर्म आती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। पता है किसी को क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है वो होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर इन द मेन मेमोरी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यहां पे कितनी है? चार। चार प्रोसेसेस हैं मेन मेमोरी के अंदर। क्या होता है इसका मतलब? नंबर ऑफ प्रोसेसेस अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कोर्स इन मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। नाम याद है किसी को? जल्दी से बताओ टाइप करके, जल्दी से बताओ। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव। ये नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव जो है ना, वो सिर्फ सीपीयू के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अगर प्रोसेस सीपीयू पे शेड्यूल हुई तो क्या वो सीपीयू अपनी मर्जी के बिना छोड़ेगी या नहीं? अगर वो अपनी मर्जी के बिना ना छोड़े, मतलब जब उसकी मर्जी हो तभी वो सीपीयू छोड़े, कब हो सकती है मर्जी? या तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, उसका टर्मिनेशन हो गया है, खुद से वो छोड़ देगी सीपीयू, या फिर उस प्रोसेस को आयो की जरूरत है तो वो आयो के लिए चली जाएगी, तब वो प्रोसेस अपनी मर्जी से छोड़ सकती है सीपीयू। बस ये दो रीजन। अगर ऐसा है तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब कि कोई भी प्रोसेस को हम फोर्सफुली सीपीयू से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। फिर आता है हमारे पास प्रीएम्प्टिव वर्जन। प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या बोलता है? कि हम प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकाल सकते हैं। कब? फोर्सफुली, कभी भी। यस, मतलब अगर इंटरप्ट आता है तो प्रोसेस को बाहर निकाल लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी, जैसे आपके पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, टाइम क्वांटम खत्म हो गया तो प्रीएम्प्टिव कर दो, राइट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस दो टाइप के होते हैं, ये रहे आपके दो टाइप, फाइन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, मल्टी टास्किंग ओएस। ये मल्टी टास्किंग ओएस क्या होता है? मल्टी टास्किंग ओएस जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें हम प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन राउंड रॉबिन में करते हैं, ताकि क्या रहे, टाइम शेयरिंग वे में सीपीयू पे हर थोड़ी थोड़ी देर में एक एक प्रोसेस रन होती रहे, ताकि सारी प्रोसेसेस का क्या मिल पाए, रिस्पॉन्स मिल पाए। किसको? यूजर को। तो यूजर को क्या लगेगा कि हाँ, सारी प्रोसेसेस मेरी रन हो रही है, कुछ अटक नहीं रहा, एंड दैट विल बी गुड फॉर यूजर्स पर्सपेक्टिव। तो मल्टी टास्किंग ओएस एक एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का, जिसमें आप प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या करते हैं, राउंड रॉबिन फैशन में। राउंड रॉबिन फैशन सबको पता है या बताया जाएगा? सबको पता है ना कैसे करते हैं? पहले P1 प्रोसेस, फिर P2 प्रोसेस,
फिर P3 प्रोसेस, फिर वापस से P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, और ये चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेसेस क्या होंगी, रन होंगी राउंड रॉबिन में। क्या एडवांटेज है मल्टीटास्किंग का, कि यूजर को एक ऐसा व्यू मिलेगा कि भैया मेरी प्रोसेसेस सारी पैरेलली चल रही है, क्योंकि P1 फिर P2 फिर P3, कितनी जल्दी रन होता है ये सीपीयू पे, बहुत जल्दी, और सीपीयू इनके बीच में स्विचिंग भी बहुत फास्ट करता है, जिससे क्या रहता है, फटाफट 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 सारी प्रोसेसेस रन हो जाएंगी, और सीपीयू बहुत फास्ट इनके बीच में स्विचिंग करेगा। एज ए यूजर मुझे क्या लगेगा, सब तो पैरेलल में चल रहा है, बट एक्चुअली पैरेलल में नहीं, वन बाय वन चलता है। ओके, चलिए बढ़िया है, आगे बात करते हैं। मल्टी यूजर ओएस, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक से ज्यादा मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हमारे पास है लेट्स से हार्ड डिस्क, आपके पास है सीपीयू, आपके पास है मेन मेमोरी, ये सबका एक हार्डवेयर है। इनसाइड सिर्फ टर्मिनल, मतलब आईओ डिवाइसेस के थ्रू, टर्मिनल मतलब आईओ डिवाइसेस के थ्रू आप क्या करेंगे, इस कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। तो यहां पे एक दूसरा यूजर बैठेगा, यहां पे एक अलग, यहां पे एक अलग, तीन यूजर तीन अलग अलग टाइम पे, एक ही टाइम पे तीन अलग अलग यूजर एक ही हार्ड डिस्क, एक ही कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू और एक ही मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, विच इज मल्टी यूजर ओएस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। तो यहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा जो शेड्यूलिंग एग्जीक्यूशन सब मैनेज करेगा, विच इज मल्टी यूजर टाइप। विंडोज के, या फिर बोलना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सब मल्टी यूजर ओएस नहीं है। मतलब कि डॉस, एमएस डॉस भी मल्टी यूजर नहीं है, नहीं, और विंडोज भी नहीं है। लिनक्स के जितने भी आते हैं वो सारे मल्टी यूजर आते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जो कि मल्टीपल सीपीयूज को मैनेज कर सकता है एक साथ। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम मैं लेके आया हूं क्या, नहीं, तो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मल्टीपल सीपीयूज रहेंगे, उसे हम बोलेंगे एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें रहता है एक स्पेशल टाइप का ओएस, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल सीपीयू मैनेज करने पड़ेंगे। एक जनरल ओएस मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के लिए अलग से फंक्शनैलिटी चाहिए। मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उनकी अपनी अपनी कैश मेमोरीज होंगी, तो वहां पे कैश कोहेरेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर के बीच में, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का ओएस ही हैंडल कर सकता है। एक अलग पूरी एक नई स्टडी फील्ड है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके दो टाइप होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के, आपको पता है किसी को क्या है दो टाइप? नोट्स तो सामने रख ही लिए होंगे आप लोगों ने रिवीजन के टाइम पे, रखे हैं ना, रखे हैं, झूठ नहीं बोलना। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी, और सेकंड हमारे पास होता है लूजली बाउंड। और इसका नाम जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, अब ये टाइटली बाउंड में होता क्या है? टाइटली बाउंड में हमारे पास में मल्टीपल सीपीयू तो होते हैं, CPU 1, CPU 2, CPU 3, ऐसे ईच सीपीयू विल शेयर अ सिंगल मेन मेमोरी। तो हर एक सीपीयू के पास एक ही मेन मेमोरी होती है, सिंगल मेमोरी, पक्का? यस। बट अगर लूजली बाउंड की बात करें तो मल्टीपल सीपीयूज क्या करेंगे, मल्टीपल सीपीयूज जो हैं अपनी अपनी मेन मेमोरीज रखते हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये इसका अपना एक इसकी अपनी एक स्टडी फील्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। ठीक है,
ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आजकल आईओटी काम कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि आप अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो और उनका नेटवर्क बना सकते हो। लाइक बिल्डिंग पे सेंसर लगा दिया कैमरा से के थ्रू, वहां से कैप्चर करके आपके मोबाइल पे वो देते जाएगा इंफॉर्मेशन कि भैया ये ट्रैफिक यहाँ अच्छा है यहाँ नहीं है। जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे आपका वो फ्रिज है या आपकी लाइट्स हैं, कैमरास हैं आपके घर में, जो भी कुछ है, सबको आपस में कनेक्ट करके और आप नेटवर्क बना सकते हो। बट याद रखो कि ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। दो कंप्यूटर का नेटवर्क आसान है बनाना क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें हैं, राइट? कंपेटेबिलिटी आसान हो जाती है। बट अगर आप एक फ्रिज को अपने ऐप से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे या एक वेइंग मशीन को अपनी ऐप से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे और ऐसे मल्टीपल चीजों का एक नेटवर्क बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पता होना चाहिए कि आपस में कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं, कौन उसको हैंडल करेगा, कौन उसको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्बेडेड ओएस, एम्बेडेड ओएस एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। एक छोटा सा सिस्टम होता है जो किसी होस्ट मशीन, मैकेनिकल मशीन पे काम आता है और फिर उस होस्ट मशीन या मैकेनिकल मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करता है। उसमें हमारा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेड ओएस। फिर आता है रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस बोलता है कि जो रियल टाइम पे इवेंट्स या डेटा आते हैं, उन डेटा पे काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं रियल टाइम ओएस। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अगर पॉइंट नहीं लिखा है तो याद रख लेना, यहां पे रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड ओएस। हैंड हेल्ड ओएस का मतलब है कि हाथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड किया जा सके, मतलब कि हाथ में जो डिवाइसेस होल्ड की जा सकती है। लेट्स से मेरा मोबाइल फोन, तो ये मोबाइल फोन है मेरे पास, ये मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जी हाँ, उसे हम बोलते हैं हैंड हेल्ड ओएस। फिर आपके टैबलेट्स हुए, गेमिंग कंसोल हुए, जितनी भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं उन सब में जितने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली चाहिए और साथ ही साथ काफी इनोवेटिव थिंकिंग के साथ चाहिए। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस। अन एकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर। अ चैलेंजिंग डेट कॉन्टेस्ट इंजीनियर टू गिव यू एन एक्सपीरियंस लाइक नन अदर, वेयर यू पुट योर नॉलेज टू टेस्ट एंड बैटल इट आउट विद अ टेस्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। अन एकेडमी कॉम्बैट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड कॉन्टेस्ट फॉर गेट टिल डेट with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real time rankings and win big participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge unacademy combat register now